फ्रेंचेस लॉ, ये एक कॉयल है ये, और हम सामने से एक मैग्नेट को ऐसे लेके आते हैं विच गोज इन साइड इट. अगर ये इसका नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल इसकी तरफ ऐसे जा रहा है, नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है और यहां पर इतनी ही दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया और स्ट्रांग हो गया और स्ट्रांग हो गया. सो वी से द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, गोइंग इन साइड, इज इंक्रीजिंग. पहले इस पर 5 लाइन्स थी, नजदीक आया 10 लाइन्स हो गई और नजदीक आया 100 लाइन्स हो गई. सो द फ्लक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो क्या होगा इसमें, बिकॉज द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस एंड द सर्किट इज कंप्लीट, सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. अब हमने जो फंडामेंटल रूल पढ़े हैं कि करंट फ्लो क्यों होगी, फंडामेंटल रूल्स नेचर क्या कहते हैं, इट डज नॉट वॉन्ट चेंज, चेंज हो कर रहा है फ्लक्स. इधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जो कि इसके अपोजिट हो, यानी किस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट करना है तो करंट कैसे चाहिए, ये यू गॉट द करंट, करंट की डायरेक्शन आपको मिली कैसे, समझ आया. तो जब मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा तो ये अपने आप करंट की डायरेक्शन को ऐसा कर लेगा, और जब मैग्नेट इससे दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है. ये क्या चाहेगा कि वीक मत हो. फिर से सुनिए, ये यहां आके खड़ा हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कितना है, 100, ये इधर चला गया 50, इट हैज बिकम 20. कॉइल क्या चाहती है, नेचर क्या चाहता है कि यहां पर 100 था, 100 रहे, हमने 20 कर दिया, तो उसका क्या कहना है कि 80 मैं बना के देता हूं ताकि कितना हो जाए 100. उस 80 को बनाना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बनाना है. फिर से ये इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड था 0, 50, 100. अब ये इधर आके कितना हो गया, 20. तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, बताइए किस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में कि बाहर. नो, ये किस डायरेक्शन में था, अंदर, 100. अभी अंदर वाला कितना रह गया, 20. अंदर वाले को 100 करना है तो किधर बनाएगा, अंदर की तरफ ही तो बनाएगा, तभी अंदर वाला 100 रह पाएगा. आराम से सोचिए, ये अंदर कितना था, 100. इसको एज इट इज रखना सिचुएशन को, हमने इस सिचुएशन को क्या कर दिया, 20. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, अब अंदर की तरफ बनाना है, इधर अंदर की तरफ. अगर ये अंदर की तरफ बनाएगा तो चार्जेस को कैसे दौड़ाएगा, करंट कैसे, हम मैग्नेट को किधर ले जा रहे हैं. फिर से पूरी सिचुएशन रिपीट करते हैं, मैग्नेट को नजदीक लाया, ये मैग्नेटिक फील्ड 0, 50, 100. तो ये किधर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह. लेकिन जब हम मैग्नेट बाहर ले जाते हैं और ये 100 से 80 होता है, तो ये 20 किधर बनाएगा, अंदर की तरफ, ताकि ये 100 से कम हो. तो इसको दोनों चीजें ना पसंद है, इंक्रीज होना भी ना पसंद है, और अगर इंक्रीज हो गया है तो फिर से डिक्रीज होना भी ना पसंद है. इसलिए ये उल्टी उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा के उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो मैग्नेट के लिए रूल क्या बनाया रेंजेस ने, कि करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, करंट की डायरेक्शन वो डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं होना चाहिए. अभी मैंने नॉर्थ पोल के लिए बात की, साउथ पोल कर दिया, तो साउथ पोल में डायरेक्शन दोनों उल्टी हो जाएगी. इसलिए हम रेंजेस लॉ में डायरेक्शन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं करते, हम उसका बेसिक फंडा बताते हैं. बेसिक फंडामेंटल क्या है, फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए. उसके लिए जैसी जरूरत हो वैसी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो. द इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली विल डिसाइड इट्स ओन डायरेक्शन विद द वन प्रिंसिपल दैट देयर शुड बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. इट ट्राइज फॉर दैट, दैट इज लेंजेस लॉ.
तो अभी लेंज़ लॉ की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच एज रिक्वायर्ड टू अपोज द चेंज, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड टू अपोज द चेंज, एज रिक्वायर्ड टू अपोज द चेंज, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, आई विल आस्क यू, साउथ पोल मूविंग इन, बताइए डायरेक्शन ऑफ द करंट किस होगी। साउथ पोल में ये साउथ पोल, ये साउथ पोल एंड इट इज मूविंग इन, आराम से पहले ये देखो साउथ पोल की लाइंस अंदर आती है कि बाहर जाती है, नॉर्थ से बाहर और साउथ से अंदर, तो साउथ की लाइंस कैसी होती है जो कि अंदर आती है, अंदर आती है यानी इस तरफ आ रही है। अब एक चीज ये फैसला हो गया, दूसरा साउथ खुद कहां जा रहा है, अंदर, जब ये अंदर जाएगा तो लाइनें बढ़ेंगी कि कम होगी, जब भी पोल हमारे पास में आता है तो लाइन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, तो साउथ जब अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाला कि अंदर वाला, वो तो हमने पहले ही फैसला कर लिया कि साउथ है तो फील्ड कैसा है, बाहर वाला, अब बाहर वाला फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अब आप डिसाइड कर पाओगे कि यहां पर हमको कैसा फील्ड इंड्यूस करना, बाहर वाला फील्ड, थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ हो रही है इसलिए सोचना पड़ रहा है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये 10 से बढ़कर कितना हो गया 100 और हमको वापस 10 करना, तो हमको किधर फील्ड बनाना पड़ेगा, बाहर या अंदर, ये सोचना है, दिस इज हाउ वी थिंक द लैंग्वेज लॉ। फिर से बाहर की तरफ फील्ड कितना था, जीरो, जीरो से बढ़ के कितना हो गया 100, हम इसको 100 को कैंसिल करना चाहते, तो हम अपना 100 किधर बनाएंगे, अंदर की बाहर, वेरी गुड, नाउ इज इट क्लियर। फिर से पहले कितना था, जीरो, जैसे ही साउथ पोल अंदर की तरफ ऐसे बढ़ने लगा तो कौन सा फील्ड बना, फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ कितनी, 100, तो अगर ये 0 to 100 बाहर की तरफ बनता है तो कॉइल कैसा बनाना चाहेगी, फील्ड जो कि इसके अपोजिट हो यानी अंदर की तरफ, अंदर बाहर में मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, फिर से साउथ पोल ऐसा है तो फील्ड किधर है, बाहर की अंदर, साउथ पोल, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल में फील्ड कैसा आता है, ऐसे, तो कॉइल के साथ जो लिंक है वो कैसा है, बाहर, कॉइल की बात कर रहे हैं इसकी, कॉइल में कैसा है, बाहर, जब हम इसको ऐसे ले गए तो वो फील्ड कितना हो गया 100, तो बाहर वाला फील्ड 100, तो कॉइल क्या बनाना चाहेगी, अंदर वाला फील्ड 100। अब बताओ अंदर का फील्ड बनाना है, बाकी तो बस अब आपको हाथ रखना, रखिए राइट हैंड अंदर की तरफ, फील्ड इसके अंदर की तरफ, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये दिस इज क्लॉकवाइज, ये करंट की प्रॉपर्टी, कुछ बात समझ में आई, ये क्या हो रहा है, साउथ पोल मूविंग इन, बी डायरेक्शन B direction outcoming and increasing, therefore B produced by coil will be inward,
देखिए इसमें जब भी आपको क्वेश्चन आता है बहुत शांति से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगली सिचुएशन इससे डिफिकल्ट है। साउथ अभी अंदर जा रहा था, नाउ आई टेल यू साउथ इज कमिंग आउट। अब डायरेक्शन बताइए। एक तो आप टेक्निक यूज कर सकते हैं कि भाई जब अंदर जा रहा था तो कैसी थी, क्लॉकवाइज, इसलिए बाहर आएगा तो कैसी होगी, ठीक है, वो आपने ट्रिक लगा दी। पर आप थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में सोचिए, साउथ इसकी तरफ है, कॉइल की तरफ, इसलिए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, कमिंग आउट फ्रॉम द कॉइल। फिर से साउथ किस तरफ लिया हमने, कॉइल की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, बाहर की तरफ। अब जब साउथ इससे दूर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। तो ये उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज। किधर का इंक्रीज, बाहर जाने वाला इंक्रीज, ये बाहर जाने वाला उसको इंक्रीज करना है, करेंट कैसी हो, अब कैसी हो जाएगी, यस, समझ आया। लेकिन आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड को सोच के आनी चाहिए, ये इसका फंडामेंटल है। अदरवाइज चार सिचुएशन बना के हम आपको रटवा सकते हैं कि किस समय क्या हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। तो ये है साउथ पोल मूविंग इन। अब यहां पर अगर हम बना देते हैं साउथ पोल मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल, फ्लक्स कैसा है, बी आउटवर्ड, बी आउटवर्ड डिक्रीज। जैसे ये मूविंग अवे होता है बी कैसा हो जाता है, डिक्रीज, और जब ये मूविंग इन होता है तो बी कैसा हो जाता है, समझ आया। तो बी विल डिक्रीज, देयरफॉर बी प्रोड्यूस्ड, बी प्रोड्यूस्ड कैसा होगा, बी प्रोड्यूस्ड इज आउटवर्ड। ये देखिए उल्टा हो गया, और अगर बी आउटवर्ड प्रोड्यूस होना है तो आई कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉक। तो अब यहां आ जाएंगे, मैंने उल्टा बना दिया, ओ सेम बन गया ये। फिर से यहां देखिए, नॉर्थ इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो ये किधर बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, उल्टा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर देते हैं, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको बाहर बनाना है, करंट ऐसे फ्लो होगी, एंड वी विल से करंट ऐसे फ्लो होगी। और इसी तरह से अगर ये उल्टा बनेगा उधर फ्लो होगी। अच्छा, ये जो करंट ऐसे फ्लो होती है इसको मैं थोड़ा सा और सर्कल बना देता हूं, ओके। अब देखिए एक और चीज, नॉर्थ उधर जाता है और चेंज नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि नॉर्थ उधर मच जाए। फिर से नॉर्थ किधर जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये इधर मच जाए, इसके लिए क्योंकि ये जाएगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, हम क्या चाहते हैं, ये जाए मत तो फील्ड का चेंज होना बंद हो जाएगा। इसको रोकने का तरीका क्या है, कि सामने दूसरा नॉर्थ पोल लिया, अगर हमने सामने नॉर्थ पोल लाना है तो वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे, और उसके लिए करंट हमें ऐसे चाहिए, ये करंट हमें ऐसे चाहिए,
दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग हाउ द करंट विल बी. तो हम नॉर्थ के सामने क्या बनाना चाहते हैं, नॉर्थ, और नॉर्थ के लिए करंट हमेशा कैसी रहती है, ये एंटी क्लॉक, क्योंकि एंटी क्लॉक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और ये नॉर्थ से बाहर निकलती, इसलिए यहां क्या बना नॉर्थ. तो यहां पर नॉर्थ बनेगा एंड दिस विल बी राइटेड दिस वे, ये एरो एरो नॉर्थ. इसी तरह से अगर हम साउथ को इसकी तरफ चलाकर लाते हैं, साउथ इन दिस डायरेक्शन, तो ये क्या चाहेगा, देखिए ये लाइन्स कम होती जा रही है, अगर लाइन्स कम होती है तो इसने इधर की लाइनें बढ़ाई, अगर इधर की लाइनें बढ़ानी है ये, तो करंट ऐसी फ्लो होगी, दैट इज अगेन दिस टाइप ऑफ करंट. अभी लिखिए ना, ये समझ आया, तो करंट ऐसी आ जाएगी एस, और अभी साउथ के सॉरी साउथ थोड़ा सा उसको करेक्शन करते हैं, द साउथ इज कमिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स. If it moves towards square, तो ये लाइनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल इंक्रीज. ये साउथ इधर मूव कर रहा है, अभी कितनी लाइन है, तीन, थोड़ा सा और इधर आएगा तो कितनी आ जाएगी, पांच. सो इट इज इंक्रीजिंग. अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या चाहेगा उसको, कि वो डिक्रीज करे. डिक्रीज करने का मेथड क्या है, इससे उल्टी लाइन बनाए, इससे उल्टी लाइन मतलब उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ, तो ये वाली डायरेक्शन भी ये क्या करेगा, इंड्यूस. अगर ये इधर इंड्यूस करना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन बताइए, अंदर की तरफ इंड्यूस करना चाहता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. Yes, this is the direction of current, so it will be clockwise. This. ये induced इधर बना, इसमें हमारा induced किधर बना था, ये induced B. अब ये induced B अंदर की तरफ बनाएगा, और अंदर जाने वाली direction किसमें होती है, south pole में होती है, अंदर जाने वाली डायरेक्शन साउथ पोल में होगी. ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर दैट दिस विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल. फिर से साउथ को कौन रिपेल करता है, ये इस तरफ जा रहा है, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट, रिपेल, रिपेल करने के लिए इसको कौन सा पोल बनाना है, साउथ, और साउथ पोल इस करंट से बनता है. तो हमने एक चीज तो पहले ही याद कर ली है, फिर से अगर हमको नॉर्थ पोल बनाना है, नॉर्थ पोल बनाना है तो बाहर पानी चाहिए लाइन, करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉक, जोड़ लीजिए नॉर्थ पोल हमेशा किसके साथ, एंटी क्लॉक, साउथ पोल किसके साथ, क्लॉक. अब हमको ये सोचना है कि पोल बनाना कौन सा है, ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये क्वायर. अब बताइए ये नॉर्थ इसकी तरफ जा रहा है, इस वक्त कौन सा पोल बनना चाहिए इसमें जो इसको अपोज करे, नॉर्थ. ये नॉर्थ दूर जा रहा है और ये चाहता है कि दूर मच जाए, तो ये अपने अंदर कौन सा बनाएगा, ये करंट. फिर से ये साउथ पोल, साउथ दूर जा रहा है, इधर कौन सा बनना चाहिए जो दूर मच जाने दे, नॉर्थ. नॉर्थ के लिए करंट एंटी क्लॉक. अब ये साउथ नजदीक आ रहा है तो ये कौन सा बनाना चाहेगा, साउथ, और साउथ के लिए क्लॉक. इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं. सो वी हैव एक्सप्लोर्ड मेनी सिचुएशंस
जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, नॉर्थ नजदीक आ रहा है, साउथ दूर जा रहा है, ऑल दिस सिचुएशन वी हैव एक्सप्लोर्ड, और सब में सिंगल कॉमन लॉ क्या है? नो चेंज. नो चेंज इज अपोज द चेंज. जो भी चेंज हो रहा है अपोज करना है, और अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमको बनाना है, उसको बनाने के लिए जो करंट लगती है वो करंट हम फ्लो करा देंगे, और उसके लिए जो हमारे फाइनल रिजल्ट निकले उसको थोड़ा थोड़ा हमने याद कर लिया. अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट से तो हमको पता लग गया कि ये बढ़ा तो हम कैसा बनाएंगे अपोज करने के लिए, और अगर ये कम हुआ तो हमको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ये बनेगा काम करने के लिए. तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन है, तो हर सिचुएशन में पहले आपने दो चीजें डिसाइड करनी है. नंबर वन, इंड्यूस फ्लक्स आपको किस डायरेक्शन में चाहिए. नंबर टू, उस डायरेक्शन के लिए करंट क्या हो. इंड्यूस फ्लक्स किस डायरेक्शन में आपको चाहिए ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? आंसर है चेंज का उल्टा चाहिए. क्या चाहिए? चेंज का उल्टा. अगर हमारा चेंज इंक्रीज है तो हमको क्या चाहिए? डिक्रीज, यानी इधर चाहिए. अगर फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है तो हम क्या करेंगे? उसको सप्लीमेंट करके इंक्रीज करेंगे. अगर फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसको इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज करेंगे. डिक्रीज कैसे किया जाता है किसी चीज को? उल्टा फ्लक्स बना के. इंक्रीज कैसे किया जाता है? सेम डायरेक्शन में फ्लक्स बना. ओके, सो नाउ द सेम थिंग वी हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, और अब जो भी सिचुएशन आएगी आप उसको ठंडे से सोच सकते हैं. बट एक चीज याद रखिए, ये आता जरूर है एग्जाम में, बिकॉज इट इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड इश्यू. नंबर टू, इट इज सच ए कंपल्सरी इश्यू. ये हमको समझ आना ही चाहिए कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी, एंड यू विल बी वेरी मच फैमिलियर विद दिस. ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है? तो अब जब भी हमको इसको जरूरत पड़ेगी, वी विल नेवर एक्सप्लेन द लॉ, वी विल सिंपली से अकॉर्डिंग टू लेंज़'स लॉ, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस वे, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस. ठीक है, इस तरह से हम उसको लेंज़'स लॉ कोट करेंगे और डायरेक्शन लिख देंगे. ओके, सो दिस इज लेंज़'स लॉ. अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और, वी विल क्लोज बिफोर दैट, एंड दैट इज फैराडेज सेकंड लॉ. हमने ये पढ़ा है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्यों इंड्यूस होता है? क्योंकि उसको करंट फ्लो करानी है. क्यों करंट फ्लो करानी है? क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है. क्यों फील्ड बनाना है? क्योंकि उसको चेंज होने वाले फील्ड को कैंसल करना. कहां से शुरू हुआ समझ आ रहा है ना? कैंसल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट चाहिए, करंट के लिए ईएमएफ चाहिए, और ईएमएफ के लिए चार्जेस का दौड़ पे एक किनारे में जाना जरूरी है, दौड़ना जरूरी है. इसलिए करंट फ्लो होती है. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ईएमएफ बनेगा, कंप्लीट होगा तो करंट बनेगी. अब ये जो ईएमएफ बनेगा ये कितना बनेगा? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट? इसकी स्ट्रेंथ, इसका टेंशन कितना ज्यादा होगा? द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे स्पीक्स अबाउट इट, एंड इट्स अ वेरी फेमस लॉ. द फोर लॉज विच कंट्रोल टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार ही लॉ है जो पूरा काम हमको एक्सप्लेन करते हैं, एंड वन ऑफ दैट इज दिस सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. And this is that this EMF induced across the coil is directly proportional to rate of change of flux. ठीक है, मैं पहले इसको एक बार लिख लेता हूं, and then I will explain it, that EMF is proportional to rate of change of flux. The magnitude of induced EMF across a coil is equal to rate of change of magnetic flux linked to it. This is
सेकेंड लॉ इसका फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड लॉ. ओके, देयर इज ए कॉइल एंड दीज आर द टू एंड्स ऑफ इट. There is a magnetic flux linked to it, which keeps on changing. Magnetic flux B. Then there will be an EMF induced here. E. ठीक है? और ये जो E बनेगा, ये कितना strong बनेगा? This E is equal to d phi by dt. What is phi? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू दी कॉइल. इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं. एक सेकंड में जितने चेंजेस होंगे, एक सेकंड में जितने चेंजेस होंगे उसका मेजरमेंट कैसे होगा? डिफाइन बाय डी. ठीक है, तो ये जो है दैट इज इक्वल टू ई एंड हियर वी पुट ए साइन माइनस. ओके, नेगेटिव साइन शोज हमने अभी पढ़ा था डेंजर्स लॉ में ईएमएफ कैसा प्रोड्यूस करना है जो फ्लक्स का चेंज को अपोज करे, इसलिए नेगेटिव साइन. सो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. दिस इज द फेमस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, अब हम लोग इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइ? फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए. सो दिस वी कैन राइट एज ई इज इक्वल टू B A D T. ऐसा भी लिखा जा सकता. So this is second law of electromagnetic induction. अगर इस कॉइल में ये एक टर्न होता है, this is for one turn of coil. If there are n turns, then E is equal to n d phi by dt. E is equal to n d phi by dt. Okay, n is the number of coil. तो इस तरह से हमने यहां पर EMF calculate किया. If we know the total resistance of a closed circuit, जैसे हमने इस circuit को यहां से close कर दिया, ये और इस पूरे circuit का resistance R हो गया. Then what would be the current? Answer is current I is equal to ये EMF बना and this is equal to I is equal to E upon R, so this is minus n d phi by dt into R. ये current का formula हो गया. पर EMF पता लगा, current को पता लग जाती है. अच्छा, अब इसमें फिर से मैं उसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो हम बीच में पहले छोड़ कर आए थे. दैट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. ओके, ये एक कॉइल है और यहां से हम एक नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ले जा रहे हैं. बी वेलोसिटी से द फ्लक्स इज इंक्रीज A, B. Out of A and B, which will have collection of electrons.
ये इधर फ्लक्स जा रहा है तो ये सामने क्या बनाएगा, नॉर्थ उसकी तरफ जा रहा है तो ये अपना सामने क्या बनाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ बनाने के लिए करंट की डायरेक्शन किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो ए और बी में पॉजिटिव कौन और टर्मिनल नेगेटिव कौन, यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहां पर पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल है और नेगेटिव कौन सा है। सेकेंडरी बात यह भी है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं। अब हम ये कहते हैं कि करंट किधर फ्लो होगी, दैट इज गिवन बाय दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसी करंट फ्लो हो रही है तो करंट किधर से किधर फ्लो होती है, प्लस टू माइनस की माइनस टू प्लस, तो ए और बी में कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, ठीक। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों गलत है सोचिए सर, फिर से आपने ये आंसर किस बेसिस पर बनाया, दैट करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। यहां पर मैंने ये रेसिस्टेंस लगा के इसको कंप्लीट कर दिया, करंट ऐसे फ्लो हुई है, आपका ये कहना है ऐसे, तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ। तो करंट कहां से कहां फ्लो होती है, बी टू ए की ए टू बी, बी टू ए। लेकिन अभी अभी आपने मुझे बताया कि बी क्या बनता है, माइनस, ए क्या बनता है, प्लस। तो करंट कहां से कहां फ्लो होगी, बी टू ए या ए टू बी, बी कैसा बना है, माइनस, ए कैसा बना है, प्लस। मैंने गलत लिख दिया, चलो अब ठीक लिखते हैं। ये नॉर्थ इधर आ रहा है, बताइए करंट कैसी होगी, क्लॉक के एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, दिस इज श्योर, ये एंटी क्लॉक। करंट किधर से किधर फ्लो होती है, प्लस टू माइनस की माइनस टू प्लस, इस आर्गुमेंट से ए और बी में कौन सा प्लस बना कौन सा माइनस, ए प्लस बी माइनस, ये करेक्ट है आपने बनाया। अब हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, ये रेसिस्टेंस लगा दे, अब बताइए इस रेसिस्टेंस में करंट किधर फ्लो हो रही है, बी टू ए, बी कौन सा टर्मिनल है और ए कौन सा है, तो करंट माइनस से प्लस जाती है क्या, तो किधर जाएगी, ए टू बी, और ए टू बी जाएगी तो ऐसी आएगी, अभी अभी आपने बोला करंट ऐसे जाती है, हो गया कंफ्यूजन, ओके। अब इसका सॉल्यूशन सुनिए, हमने जो दिमाग में बैठाया है कि करंट प्लस से माइनस जाती है ये गलत है, ये पक्का याद रखिए, करंट प्लस से माइनस जाती है ये अधूरा स्टेटमेंट है, इट इज अ हाफ ट्रुथ। क्यों, आप सबको मालूम है और आप सब इसको कर चुके हैं, दिस इज इटसेल्फ प्लस माइनस, ये रेसिस्टेंस है, सबको मालूम है करंट कहां से जाती है, प्लस से, क्या करंट यहां जाके रुक जाती है, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, दैट इज अवर फंडामेंटल थिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, दैट करंट हैज टू बी इन ए क्लोज्ड सर्किट, उसका पूरा चेन हमको चाहिए, एक लिंक आप काट दीजिए करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे आई, और ओके, सो दिस इज हाउ द पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग, ये ठीक है।
दिस इज राइट, दिस इज हाउ वी हैव लर्न्ड इट. अब मुझे ये बताइए सेल के अंदर करंट किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पे जा रही है? हाँ, तो करंट किधर से किधर जाती है? माइनस टू पॉजिटिव. बोलने में आपको शर्म लगी है लेकिन ये सच है कि हम जो बोलते हैं कि करंट प्लस टू माइनस जाती है, दिस इज हाफ द स्टेटमेंट बिकॉज अदर हाफ वी डोंट स्पीक. दैट इज व्हाट द करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल. इनसाइड द सेल इट गोज फ्रॉम यस, दैट इज द होल स्टेटमेंट. ये याद है, ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि करंट माइनस से प्लस जाएगी कि प्लस से माइनस, तो आप सामने से क्या पूछेंगे, सेल के अंदर की बाहर? देन योर आंसर विल बी करेक्ट. ठीक. अब सेल क्या होता है? इट इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. तो सोर्स के अंदर करंट किधर फ्लो होती है? माइनस टू प्लस, और सोर्स के बाहर रूल बन गया. अब जब कॉइल पर ये अब यहां आ जाएगी, ये इधर आएगा, तो यहां क्या बनेगा? ये जब इधर आएगा नॉर्थ पोल, तो इसके अंदर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? ये नॉर्थ पोल. तो करंट की डायरेक्शन के लिए वी आर वेरी श्योर कि करंट की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉक. करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. अब हमने ये डिसाइड करना है कि अगर ये करंट एंटी क्लॉक जाती है तो ए प्लस है कि माइनस है. तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो ए से बी है, ये ईएमएफ सोर्स के अंदर है कि बाहर है? नो, बाहर ये है, क्योंकि इन दोनों को हम ले जाकर यहां पर बल्ब लगाएंगे. ये तो ये जो बनता है ना, ये दिस इज अवर सोर्स ऑफ ईएमएफ. ये याद रखिए, ये इसको कैसा ट्रीट करना है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, और इन दोनों से हमने क्या करना है, बल्ब लगाना है. ये हमारा सर्किट है. अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है कैसी? एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू अवर रूल. अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो बताइए करंट किधर से किधर जाएगी? माइनस टू प्लस की प्लस टू माइनस? वेरी गुड. इसलिए ए क्या होगा? वेरी गुड. और बी क्या होगा? अब देखिए बाहर वाले सर्किट में करंट कैसे जाती है? प्लस टू माइनस, यही हमने पढ़ा. तो बाहर के सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है? प्लस टू माइनस, और अंदर कैसे फ्लो हो रही है? माइनस टू प्लस. एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. हम कभी कॉइल के अंदर घुस के देखते ही नहीं, वो तो पावर हाउस में चल रही है. हम सिर्फ इसको जानते हैं प्लस से माइनस करंट फ्लो करती है, लेकिन कॉइल क्या है? सोर्स ऑफ ईएमएफ, और सोर्स के अंदर माइनस टू प्लस. अब हर चीज अपनी जगह पे ठीक आ गई, ये चीज याद रखिएगा. अब अगर हम ऐसा बना दें, फिर हम आपसे पूछे, फिर से एक मिनट इधर देखिए, अगर मैं इसको तोड़ दूं, देन ये इट इज अ ब्रोकन कॉइल. इलेक्ट्रॉन कहां पर इकट्ठे हैं? ए में कि बी में? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ए क्या है? माइनस. जब भी करंट फ्लो होगी अंदर ही अंदर ए से बी जाएगी, क्योंकि ए माइनस है और बी प्लस है. बिल्कुल इसमें झिझकिए मत, संकोच मत करिए कि करंट माइनस से प्लस जा रही है, जाती सोर्स के अंदर. ठीक, तो ये याद रखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और यहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, और जब हम ज्वाइन करेंगे देन इट विल फ्लो लाइक दिस. तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, दिस इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, एंड इनसाइड द सोर्स ऑफ ईएमएफ करंट फ्लोस फ्रॉम माइनस टू प्लस. दिस रिजल्ट्स द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस इन द कॉइल. ओके, सो दिस इज सेकंड लॉ. और ये सेकंड लॉ का अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अब इसके बेसिस पर हम शुरू करेंगे, जो कि आपके कॉलेज के फाइनल ईयर में खत्म होगा. इट इज सच ए बिग थिंग. सो यहां से अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होगी, फिर अल्टरनेटिंग करंट के इफेक्ट स्टार्ट होंगे, सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है. एक चीज सिर्फ इसमें और देखिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें बनाती है आपस में,
इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसने भी बनाया, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे? हम ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पुश कर सकते, मैकेनिकली पुश कर सकते। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये क्रॉस होने की सिचुएशन आ गई, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को पुश करके दोनों अपने लिए जगह बना लेंगे, और जब ये ऐसा पुश करेंगे तो इनका सोर्स का क्या होगा? सोर्स पीछे जाएगा। दिस इज हाउ मैकेनिकल फोर्स अप्लाई विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वही चीज जब हम एक कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जाके इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को घुमाता है, ऊपर फोर्स लगाता है, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ओके, सो नाउ वी विल क्लोज इट हियर। अब ये जो सेकंड लॉ से जो ईएमएफ बना और उसके कारण जो और नए फिनोमेना बनेंगे, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ये जो ईएमएफ जनरेट होता है कितना होता है, किस सिचुएशन में होता है, और हम कैसे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए यही वो चीज है ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट जो हम सबको चाहिए। हमारे घर में कोई भी मशीन चलानी हो तो हमको करंट चाहिए, और करंट के लिए ईएमएफ चाहिए, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। इसके बिना लाइफ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ इतनी आजकल इसकी डिपेंडेंट हो गई है कि आधा घंटा पांच मिनट भी लाइट नहीं रहती तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। सो वी वांट ईएमएफ शुड बी देयर, सो वी मस्ट स्टडी इट वेरी वेल कि ईएमएफ के सोर्स क्या होते हैं, कैसे ईएमएफ पैदा किया जाता है, एंड दैट वी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।